वेलकम फ्रेंड्स, आज बनाएंगे मूंग दाल डोसा। मूंग दाल डोसा रेसिपी बनाने में बहुत ही इजी है और ये झटपट तैयार हो जाती है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है क्योंकि ये मूंग दाल से बना है और ये वेट लॉस में बहुत ही अच्छी रेसिपी है जिसे आप आराम से बना के खा सकते हैं और ये वेट लॉस में हेल्प करती है। इसके लिए मैंने साबुत हरी मूंग ली है। ये साबुत हरी मूंग दाल एक कटोरी मैंने ली है और अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून चावल ऐड किया है। इसे धो के 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे और देखिए ये अच्छे से भीग गई है। अब इसे जार में ऐड करेंगे और अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जीरा ऐड किया है, 2 इंच अदरक के टुकड़े को कट करके ऐड किया है और 4 हरी मिर्च को कट करके ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते समय एक साथ ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो दाल अच्छे से पिस नहीं पाती है। इसे ग्राइंड करके एक जार में ऐड कर लेंगे। ये मैंने बाउल में इसको निकाल लिया है और देखिए ये अच्छे से पिस गई है। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है और थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा और पानी इसमें अच्छे से ऐड करने के बाद अब इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से तैयार हो जाएगी और अब आपको लगता है कि इसकी कंसिस्टेंसी डोसे की तरह नहीं है तो आप इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे ये थिक लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूँगी और इसे मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये डोसे की कंसिस्टेंसी पे आ गया है। अब इससे डोसा आसानी से बन जाएगा। तो चलते हैं डोसा बनाने की तरफ। ये मैंने डोसा पैन लिया है और इसे हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और अब इसे सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और उस पानी को तवे से हटा लेंगे और अब ये पैन डोसा बनाने के लिए तैयार है। तो अब इसमें बैटर ऐड करना है। बैटर को ऐड करके उसे डोसे के फॉर्म में राउंड शेप में इस तरीके से घुमाते हुए डोसा बनाएंगे और इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है जिससे दाल अच्छे से पक जाए। देखिए इस तरह से, और थोड़ी ही देर में इसमें जालियां आ जाएंगी जिससे ये पता चलता है कि डोसा एक साइड से पक गया है। और अब इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें कुछ चॉप्ड गाजर, 1 चॉप्ड और प्याज, थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्च और हरी धनिया को ऐड कर रहा है। देखिए इस तरीके से आप इसे फैला लीजिए। आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से ऐड करने के बाद इसे 2 मिनट और पकाना है और फिर इसे आप फोल्ड करके सर्व कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी है। इसे सांभर और चटनी के साथ सर्व करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।